नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के करीब हो गई है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,79,424 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 73,272 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 82,753 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान देश में 926 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। भारत में अब 9 लाख से कम एक्टिव कोरोना मरीज हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 69,79,424 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 1,07,416 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 59,88,822 कोरोना मरीज महामारी से जंग जीत कर ठीक हो चुकी हैं। देश में अब 8,83,185 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो ये मामूली बढ़ोतरी के बाद 85.8% पर पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 6.29% है। डेथ रेट 1.53% है। ICMR के मुताबिक 9 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के कुल 8,57,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11,64,000 सैंपल की टेस्टिंग शुक्रवार को की गई। पॉजिटिविटी रेट करीब 7% है। महाराष्ट्र में COVID-19 के शुक्रवार को 12,134 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15 लाख से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,06,018 हो गई है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 302 मौतें हुई हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 39,732 हो गई है। केरल में शुक्रवार को COVID-19 के 9,250 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,66,100 हो गई है, जबकि संक्रमण के कारण 25 और मौतें होने से मृतकों की संख्या 955 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में मलमपुरम में 1,174 मामले सामने आए हैं, जबकि तिरुवनंतपुरम में 1,012 नए मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से शुक्रवार को 16 और मरीजों की मौत हो गई, जिससे राज्य में संक्रमण से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,621 तक पहुंच गया है। वहीं 2,180 नए मामले सामने आने के बाद राजस्थान में संक्रमितों की कुल संख्या अब 1,54,785 हो गई है। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से 16 और मौतें हुई हैं, जिससे मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 1,621 तक पहुंच गई है। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,250 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,39,932 हो गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2,958 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या अब 1,37,570 हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।